हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पहुंच गए एक ब्रांड न्यू धांसू कड़क चमत्कार वाली वीडियो लेके, डुअल एक्सक्लूसिव वाली वीडियो, याद रखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो धांसू इंट्रो के बाद। बनाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा पिक्सार्ट पे। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो इमेज आप लेना चाहते हो वो वाला इमेज को सिलेक्ट करना है। वो वाला इमेज जहाँ पे है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट पे था, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। अभी टूल वाले ऑप्शन पे जाना है। टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्रॉप कर लेना है। क्रॉप नहीं करोगे तो पिक्चर अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए क्रॉप करना ज़रूरी है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको कटआउट वाले ऑप्शन पे जाना है। कटआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा, वाले हमको चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड होगा तो हम डुअल एक्सपोजर यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो हम धीरे धीरे इसका, जिस जिस पोर्शन पे नहीं अप्लाई हुआ तो यहाँ पे हम वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। धीरे धीरे कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, तब आपको क्या करना है, एड पिक्चर ऑप्शन पर जाके जो पिक्चर आप डुअल एक्सपोजर में लगाने वाले हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके उसको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने हिसाब से फोटो को उसके बाद बिठा लेना है। तो चलो डुअल एक्सपोजर में आप जिस फोटो को सिलेक्ट करने वाले हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। और बाद आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है इसका। और उसके बाद क्या करना है, फ्लिप रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके उल्टा कर। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ऊपर वाले एक्सपोजर अपने लगाए हो वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा नीचे भी, एक बिल्कुल सेम टू सेम जैसा दिखे। इससे आपको क्या करना है, जो फ़ोटो को आपने लगाया वो वाले फ़ोटो को आपको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके बिठा लेना है सही पोजिशन पर, जैसे कि फ़ोटो अच्छा और धांसू दिखे। तो चलो हम बिठा लेते हैं पहले। करने के बाद ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन है, इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके क्या करना है, जो जो पोर्शन हमारा कटआउट वाले लेयर के बाहर है वहाँ से हमको इरेज कर लेना है। तो चलो हम धीरे धीरे से इरेज कर लेते हैं। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना ज़रूर। और क्या, इंडिया का वीडियो यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया ताकि वीडियो बोरिंग ना लगे। सही तरीके से फोटो को एडजस्ट करके ऐड कर लेने के बाद हमको जो जो बाहर वाले पोर्शन बाहर में है, मतलब एक्सपोजर वाले फोटो का जो जो पोर्शन बाहर में, उसको सही तरीके से ऊपर वाले फोटो नीचे वाले फोटो को इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद टिक वाले ऑप्शन पर जाना है। टिक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्रॉप करना है, क्योंकि नीचे थोड़ा एक्सपोजर नहीं गया तो वहाँ पर क्रॉप कर लेना है। तो अभी क्या करना है, अभी मेन पार्ट है, अभी अपने को अपना लोगो लगवाना है।